सो हे फ्रेंड, दिस इज दलविंदर सिंह एंड यू आर वाचिंग दलविंदर टेक। द होप्स आप सभी लोग वेल एंड फाइन होंगे गाइस। तो मैं आप सभी के लेकर आ गया एक और नई एक्साइटिंग वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पबजी मोबाइल के बारे में। तो गाइस, बहुत लोगों के दिमाग में ये गलत फैमिली चल रही है कि गाइस वो पबजी मोबाइल बैन हो रही है या फिर नहीं हो रही है, या फिर ये इस एक और गलत फैमिली चल रही है लोगों के दिमाग में कि जो पबजी मोबाइल है वो चाइनीज ऐप है या फिर कोई साउथ कोरियन ऐप है। तो गाइस, आज हम इसी वीडियो में इसी सभी आपके डाउट्स दूर करेंगे कि पबजी मोबाइल कौन सी बैन हो रही है या फिर नहीं हो रही है, और ये चाइनीज गेम है या फिर नहीं है। तो गाइस चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो हमें इस बात को जानने के लिए कि पबजी ऐप जो हमारी पबजी मोबाइल है वो एक चाइनीज गेम है या फिर नहीं है, हमें सबसे पहले इसको पबजी पीसी से शुरू करना पड़ेगा। तो गाइस, जो पबजी पीसी है हमारी वो एक साउथ कोरियन गेम है। अगर आप गूगल पर भी चेक करेंगे तो आपको यही पर देखने को मिलेगा कि जो पबजी गेम है वो एक साउथ कोरियन है। लेकिन जब हम पबजी मोबाइल की बारे में बात करते हैं तो गाइस आपने देखा होगा, जैसे ही हम अपने पबजी मोबाइल को स्टार्ट करते हैं तो उसके सामने एक लोगो आता है टेंसेंट गेम्स का। तो गाइस, जो टेंसेंट गेम है गाइस, ये एक चाइनीज़ कंपनी है जो गेम्स बनाती है। तो गाइस, इसमें सबसे पहले तो रोल आता है, उसके बाद में हमें देखने को मिलता है जब टेंसेंट गेम का जो लोगो चला जाता है उसके बाद आता है पबजी कॉरपोरेशन ब्लू होल कंपनी। तो गाइस, ये ब्लू होल कंपनी है गाइस, ये साउथ कोरियन कंपनी है गाइस। तो इसमें क्या है कि जब साउथ कोरियन कंपनी है जो ब्लू होल हमारी, उसने जब चाइना में अपना उन्होंने गेम को रिलीज़ करना, तो इसमें क्या हुआ कि आप कोई भी गेम है जो सीधी अपने चाइना में रिलीज़ नहीं कर सकते गाइस। उसके लिए आपको गाइस कुछ मतलब जो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उसी अपनी कंपनी के साथ हाथ मिलाना पड़ता है। ऐसे ही ब्लू होल कंपनी ने किया, जो उन्होंने टेंसेंट गेम था उनके साथ उन्होंने हाथ मिला लिया और उनके साथ उन्होंने पार्टनरशिप करके एक न्यू गेम को डेवलप किया जो थी हमारी पबजी मोबाइल। तो गाइस, पबजी मोबाइल जो है चाइना में बहुत ही ज़्यादा उसकी पॉपुलर हुई, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई। उसके साथ जो हमारे 10% मेरे ख्याल से 10% जो हिस्सा है वो टेंसेंट गेम का है। अगर आप कोई भी परचेज करते हैं पबजी मोबाइल में, जैसे कि आप कोई रॉयल पास या कुछ किसी भी तरह के अगर आप पैसे यूज़ करते हैं तो उसका 10% जो टेंसेंट गेम को जा रहा है। तो गाइस, उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही पबजी मोबाइल जो ब्लू होल कंपनी है हमारी, उन्होंने मोनेटाइजेशन के लिए चाइना को बोला, तो गाइस चाइना ने उसमें बैन कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इसको मोनेटाइजेशन नहीं दे सकते। तो ऐसे में चाइना ने हमारी जो पबजी मोबाइल है उसको चाइना में ही बैन कर दिया गया है गाइस। उन्होंने बताया कि ये कुछ हार्मफुल कंटेंट है इसमें और हमारे जो बच्चों का जो भविष्य है वो ख़राब हो जाएगा और वो स्टडी पर ध्यान नहीं देंगे। तो ऐसे में गाइस पबजी मोबाइल है जो पहले ही चाइना में बैन हो चुकी है गाइस। तो उसके बाद क्या हुआ गाइस, चाइना ने उसका एक क्लोन बना दिया जिसका नाम है गेम ऑफ पीस, शायद पीस ऑफ गेम है मेरे ख्याल से, गेम ऑफ पीस ही है इसका नाम है। जो गाइस बिल्कुल सेम टू सेम पबजी मोबाइल के कॉन्सेप्ट पे बेस है और बिल्कुल सेम टू सेम पबजी मोबाइल जैसी गेम है। और इसमें गाइस उन्होंने गवर्नमेंट ने इसको मोनेटाइजेशन दे भी दिया है गाइस, और पबजी मोबाइल को उन्होंने मोनेटाइजेशन नहीं दिया था। तो आप देख सकते हैं गाइस, जो चाइना है वो सिर्फ अपने होममेड ऐप्स को ही जो मोनेटाइजेशन देता है और उसको ही सिर्फ अपने एक्सेप्ट करता है, बाहर ले किसी भी ऐप को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो गाइस इसमें अभी हम ये नहीं कह सकते कि जो चाइनीज जो हमारी पबजी मोबाइल है वो चाइनीज़ ऐप है, लेकिन बट ये ऐसा नहीं है कि ये प्रॉपरली 100% चाइनीज़ ऐप है। तो गाइस इसमें सिर्फ 10% या फिर आप मान लो 20% या 50% लगा लो ये एक चाइनीज़ ऐप है। तो गाइस अगर आप इसको बैन करने की बात करते हो तो गाइस ये बैन नहीं हो सकती क्योंकि ये एक साउथ कोरियन गेम है गाइस, प्रॉपरली ये चाइनीज़ गेम नहीं कह सकते हम इसको। और गाइस दूसरी बात ये कि अगर आप चाहते हैं कि बैन ना हो तो गाइस उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप कोई भी रॉयल पास या कुछ भी ऐसा कुछ अपना जो हमारे पैसे लगाते हैं पबजी मोबाइल में, तो गाइस उसको मत लगाइए क्योंकि इससे क्या होगा कि उसका जो कुछ परसेंट है वो चाइना को जाएगा, जरूर जाएगा, क्योंकि टेंसेंट गेम का इसके में हाथ है, उन्होंने एक के साथ मिलाई है अपना हाथ मिलाकर एक गेम बनाई थी जो पबजी मोबाइल है। तो गाइस ऐसे में जो पैसे हैं वो टेंसेंट गेम को जाते हैं, टेंसेंट गेम तो गाइस पैसे चाइना में एक तरफ से जा ही रहे हैं। और आपको पता ही है जो कि हमारी चाइनीज़ कंपनियां हैं उनका गवर्नमेंट उनके सीधा एक्सेस कर सकती है, कोई भी उसको रोक टोक नहीं है। तो गाइस ऐसे में आपको पबजी अगर आप ज़्यादा नहीं खेलते हैं तो गाइस आपको बायकॉट कर देना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी आप बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हैं तो गाइस प्लीज़ इस पर पैसे मत लगाइए गाइस, और कुछ नहीं है, बस अपना पैसे लगाने बंद कर दीजिए पबजी पर, क्योंकि अगर आप पैसे लगाते हैं तो ये सीधे पैसे चाइना को जा रहे हैं गाइस टेंसेंट के थ्रू। तो बस गाइस ऐसा ही है, आप अगर चाहें तो पबजी पीसी और पबजी लाइट खेल सकते हैं, वो एकदम से कोई भी चाइनीज़ उसमें कुछ भी नहीं इंक्लूडेड है, वो उसको आप आराम से खेल सकते हैं।
तो गाइस बस गाइस इस वीडियो में आपके लिए इतना ही था। अगर आपके पास अगर भाई किसी को भी अभी इस वीडियो के बाद भी किसी को हमारे पबजी मोबाइल के बारे में कोई डाउट हो तो गाइस आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको सभी बातों को बताएंगे कि कौन सा क्या अगर आपको कोई डाउट हो तो क्लियर करने की उनकी 100% कोशिश करेंगे। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही था, तो मिलते हैं आपसे एक और नए एक्साइटिंग वीडियो में, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपसे एक और नए एक्साइटिंग वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again.